हेलो एवरीबॉडी, आज हम जानने वाले हैं मालाओं के बारे में। माला क्या होता है? अक्सर जाप करते हुए आप देखे होंगे मालाओं से। अक्सर लोग मंत्र सिद्धि के लिए मालाओं से जाप करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे तरह के माला होती है। ये सब जो मालाएं होती है, इसमें जाप करने से आपको अलग अलग फल मिलते हैं। जैसा कि ज्यादातर लोग रुद्राक्ष माला से ही जाप करते हैं, ये रुद्राक्ष माला सही होना जरूरी होता है। हर एक जो बीट्स होते हैं रुद्राक्ष माला का, उसका मुख अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। चाहे चतुर्मुख हो, पंचमुख हो या षण्मुख हो, सारे मुख अच्छी तरह से दिखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो रुद्राक्ष की माला लोग जाप करते हैं, कंफर्टेबल होने के लिए लोग इसको बहुत छोटा दाना लेते हैं। और छोटा दाना में अक्सर ये मुख दिखाई नहीं पड़ते और ये इफेक्टिव भी नहीं होते। रुद्राक्ष जो रुद्र मतलब शिव के आंसू से बना है, ये साइंस के हिसाब से बोला जाता है कि एक हाइपर डायमेंशनल रिजोनेटर होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ इसको इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है रिजोनेट करता रहता है। हर एक मुख वाले रुद्राक्ष का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो मालाओं के ऊपर है, रुद्राक्ष के ऊपर। इसलिए रुद्राक्ष का जो माला होता है वो सबसे अच्छा होता है और इससे जाप करने से शास्त्र के हिसाब से आनंद फल मिलता है। और ज्यादातर रुद्राक्ष से आप सारे देवी देवताओं का जाप कर सकते हैं। पर रुद्राक्ष माला से जाप करने के लिए आपका अंतःकरण शुद्ध होना जरूरी होता है, मतलब आत्मा से शुद्ध होना जरूरी होता है। और आपका जो कुंडलिनी होता है मूलाधार कमल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, मतलब कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, तब जाके आपका रुद्राक्ष माला से जप करने से सिद्ध होता है। और दूसरा जो सबसे आसान माला होता है वो है आपका स्फटिक माला। स्फटिक माला से हर कोई जप कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो या सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में रहता हो, तो हर कोई ये स्फटिक माला से जाप कर सकता है। स्फटिक माला भी रुद्राक्ष माला से बस थोड़ा सा नीचे आता है प्रभाव में। और स्फटिक माला मन को शुद्ध करता है और ऐश्वर्य का भी वृद्धि करता है। तो स्फटिक माला से भी आपको जाप करना चाहिए। और जो आज का विशेष माला है, जो आज का टॉपिक है, वो है माला में माला, मतलब महामणि माला, मीन्स महाशंख माला। ये महाशंख माला होता क्या है? महाशंख माला जो होता है वो ह्यूमन बोन से ही बनता है और एक पुरुष का मरे हुए नेचुरल तौर से मरे हुए पुरुष का दाएं जांघ का जो हड्डी होता है उसमें से ये माला बनता है। और इसलिए इसके लिए आपको पहले एक शुद्ध स्केलेटन ढूंढना पड़ेगा, जिस वो पुरुष का होना चाहिए। और स्केलेटन का दाएं जांघ का जो बोन होता है उसको कलेक्ट करके उसको माला बनाना पड़ेगा। और हर एक माला में स्कॉल जैसा आकृति, मतलब ह्यूमन स्कॉल जैसा आकृति होना चाहिए। ये एक बहुत पुराना नेचुरल स्कॉल माला है, मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये रुद्राक्ष माला से बोला जाता है कि तंत्र के हिसाब से रुद्राक्ष माला तो अच्छा होता ही है, पर तंत्र में महामणि महाशंख माला का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है।
इसमें आप 10 महाविद्या का जाप कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं से मतलब काली से लेकर तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, ये सबका जाप आप इसमें कर सकते हैं। और सारे देवी जो कि वाम मार्ग में पूजित होते हैं वो सब आप ये हटियों की माला या महाशंख माला से कर सकते हैं। ये महाशंख क्यों होता है? क्योंकि आदमी जब मर जाता है तो सारे प्राण जो होते हैं, डिफरेंट तरह के प्राणवायु होते हैं शरीर में, हर एक चक्र में, जैसे हमारा इड़ा पिंगला ये सब नाड़ी होते हैं और सुषुम्ना नाड़ी होता है, ये सब स्पिरिचुअल नाड़ियां होते हैं। फिजिकल नाड़ी में ये सब सूक्ष्म में मतलब जो कॉस्मिक बॉडी होता है उसका नाड़ियां होती है। और ये कॉस्मिक बॉडी का जो नाड़ियां होती है उसमें जो प्राण प्रवाहित होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है। सारे जब प्राण मतलब हर एक तरह का उसको वायु भी बोला जाता है, ये प्राण को आपाना, उदाना, समाना, ये सब होते हैं प्राण, डिफरेंट तरह के प्राइमरी प्राण होते हैं ये सब। अपान वायु मतलब आप जब पाद मारते हैं ना वो होता है अपान वायु, वो निकलता है आपके अनस से। उसके पास जो होता है मूलाधार चक्र, वहां पर होता है अपान। और आपका जो नाभि चक्र होता है वहां पर होता है समान वायु, और ऊर्ध्व चक्र में व्यान, ये सब व्यान, उदान, ये सब होते हैं। पर ये सब प्राइमरी प्राण को छोड़ के और बहुत सारे प्राण हमारे शरीर में रहते हैं। सारे प्राण मृत्यु के साथ ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं पर कुछ प्राण रह जाते हैं। उसमें से एक है धनंजय, धनंजय वायु। ये धनंजय वायु जो होता है या धनंजय प्राण जो होता है ये रह जाता है, ये हड्डियों में विराजित होता है। और हर एक हड्डी में धनंजय वायु के कारण ह्यूमन का जो बोन होता है वो स्पेशियली सेक्रेड होता है। और इसको यही धनंजय प्राण की वजह से ही इसको बोला जाता है महासंख। संख संख की माला भी महालक्ष्मी की पूजा उपासना के लिए यूज किया जाता है। इसमें सम्मान, मान सम्मान वृद्धि होता है संघ की माला से जाप करने से। पर संघ का मूल उद्देश्य जो होता है शरीर में कुछ अगर गड़बड़ी आ जाए जल तत्व में तो उसको वो सुधार देता है। संघ के जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपका, आपको संघ के बजाने से वो सुधर जाता है जल तत्व में जो उतार चढ़ाव होते हैं। और इसी तरह से महासंख मतलब सारे विघ्नों को संख निपात कर देता है, सारे के डिफरेंट तरह के तत्वों से जो विघ्न पैदा होते हैं उसको निपात करता है। उसी तरह महासंख जो होता है इसमें मतलब हड्डियों की माला जो मनुष्य से हड्डी से बनता है उसमें जाप करने से शरीर क्या आपका पूर्व जन्म में किए हुए सारे नेगेटिविटी जो ऑरा आपको अभी ग्रसित कर रहे हैं वो भी गायब हो जाते हैं। आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं ये हड्डियों की माला से, अर्थात महासंघ माला से, तंत्र के हिसाब से। अक्सर तंत्र में मतलब तंत्र में जो साधक होते हैं, कापालिक होते हैं या अघोर सन्यासी होते हैं वो भी ये हड्डियों की माला का व्यवहार करते हैं काले की जप करने के लिए। ज्यादातर तारा की जप करने के लिए तारापीठ में, तारापीठ एक जगह है मतलब आपका वेस्ट बंगाल में, वहां पर देव बोला जाता है कि तारा मतलब नयन, देवी का नयन वहां पर गिरा था इसलिए उसका नाम तारापीठ पड़ा है। तो वहां पर वशिष्ठ जी ने भी विशेष साधनाएं की थी तारा को पाने के लिए। जो कामाख्या में उनको सिद्धि नहीं मिली वो तारापीठ में करके उनको एनलाइटमेंट मिला था। तो तारापीठ में वशिष्ठ जी का पांव का चिन्ह अभी भी विराजित है। और तारापीठ में ज्यादातर सन्यासी जो अघोर संप्रदाय के होते हैं वो स्कल में खा रहे हैं,
और उस काल में सुरा वगैरह पीते हैं और उस काल में ही जाप करते हैं। पंचमकर साधना के अंदर सुरा का प्रयोग होता है। सुरा में ये नहीं बोलूंगा कि सुरा का प्रयोग तंत्र में क्यों होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा तंत्र में सुरा का क्या अवदान है, कैसे सुरा गंगा, सुरा सिंधु, सुरा देवी सरस्वती होता है। ये आपको मैं आपको फन के लिए नहीं बोल रहा हूं, सुरा कैसे सरस्वती का स्वरूप होता है आपको मैं बताऊंगा। जो आम सुरा मार्केट में मिलता है वो अक्सर नहीं पीना, कभी भी मत पीना, क्योंकि वो सरस्वती का स्वरूप बिल्कुल नहीं होता। किस तरह का सुरा बनाना चाहिए, कौन सी सुरा सरस्वती का स्वरूप होता है, मैं आगे के एपिसोड में बताता रहूंगा। और आज का जो एपिसोड था ये महासंघ माला का, आज यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपका अगर कोई डाउट रहे महासंघ की माला के ऊपर कैसे बनाए, कैसे किस तरह प्राप्त करें, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you.